हेलो एंड वेलकम, दिस इज द लेटर नंबर 7। सो ये बेसिकली लेटर है, लेटर टू द एडिटर। एग्जांपल, राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर पॉइंटिंग आउट द हैजार्ड रेकलेस ड्राइविंग ऑन सिटी रोड्स। यानी जो लोग है वो रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, रेकलेस यानी बहुत खराब तरीके की ड्राइविंग करते हैं रोड्स पर। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर ऑल क्लासेस, जैसा कि हर लेटर में लिखा हुआ है कि ये सारी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बीए हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th, 10th, 11th, 12th, हर क्लासेस में यूज हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। जैन स्ट्रीट मुकेरियन, सितंबर 19, 2023, टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़। डियर सर, प्लीज परमिट मी टू पॉइंट आउट द हैजार्ड ऑफ रेकलेस ड्राइविंग ऑन सिटी रोड। आई शैल फील ग्रेटफुल इफ यू पब्लिश माय व्यूज इन द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। तो वो कहता है, जो लेटर लिख रहा है कि जो हैजार्ड है रेकलेस ड्राइविंग के, जो नुकसान है उसके बारे में मुझे बताने के लिए आप अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में जगह दे दीजिए थोड़ी सी। रैश ड्राइविंग हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। आजकल सभी लोग जो है, ज्यादातर जो यंग जनरेशन है वो रैशलेस ड्राइविंग करती है। सो मैनी एक्सीडेंट टेक प्लेस एवरी डे ऑन द सिटी रोड्स। इसलिए ज्यादातर एक्सीडेंट जो है रोजाना आपको देखने के लिए मिलते हैं। ड्राइवर्स प्ले विद द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड मैन। जो चलाने वाले हैं वो बेसिकली दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं अपनी जान के साथ साथ, और उसमें ज्यादातर बच्चे या बूढ़े लोग होते हैं। यंग बॉय फील्स द थ्रिल ऑफ स्पीड। जो जवान बच्चे हैं वो तेज चलाते हैं, उन्हें बड़ा थ्रिल मजा आता है उसे तेज चलाने में, बाइक है या कार है जो भी उनके पास व्हीकल है। दे डू नॉट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। एक तो वो ट्रैफिक रूल्स को भी नहीं मानते, फॉलो नहीं करते। दे टेक प्राइड इन ओवरटेकिंग द अदर व्हीकल एंड गोइंग अगेंस्ट लाइट एट द क्रॉसिंग। ऑल दिस रिजल्ट इन द फेटल एक्सीडेंट। द लॉ एबडाइजिंग सिटीजन आर कॉट इन दिस पेरिल। अब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। अच्छा, तू मेरे से आगे निकल गया, मैं तेरे से आगे निकलूंगा। एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में ना तो वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ना लाइट्स को देखते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक एक्सीडेंट्स का सामना देखने को हमें मिल जाता है। ट्रैफिक जाम इज येट अनदर हैजार्ड। ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। इट इज ऑफन सीन दैट हैवी व्हीकल्स आर पार्क्ड इन द एरिया ऑफ नो एंट्री, दिस कॉज ट्रैफिक जाम्स। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो हैवी व्हीकल्स है, ट्रक है, बस है या और बड़ी गाड़ियां हैं, उनको आप नो एंट्री वाले व्हीकल में पार्क कर देंगे तो कहीं ना कहीं बिजी रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम लगेगा। टांगाज एंड थ्री व्हीलर मेक द थिंग वर्स इन सच एन एरिया। टांगाज और थ्री व्हीलर वाले क्या करते हैं, एक ही जगह पर रुके खड़े रहते हैं सवारी के इंतजार में। अब सवारी नहीं आएगी तब तक क्या होता, वो एरिया तो ऑक्यूपाइड हो गया। जब वो एरिया ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो उस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा आप मोस्टली दिल्ली में देख सकते हैं। द पुलिसमैन ऑन द ड्यूटी रिमेन्स अ साइलेंट स्पेक्टेटर। जो पुलिसमैन होता है ड्यूटी पे वो चुपचाप देखता रहता है कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं। द ड्रंकन ट्रक ड्राइवर्स प्ले अ हैवॉक विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल। जो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर जो हैं या जो बस ड्राइवर्स हैं, वो जो शराब पी के ट्रक चलाते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और इनोसेंट पीपल उसमें मारे जाते हैं। ट्रक ड्राइवर की मौत हो जाती है, जाहिर सी बात है, अगर एक्सीडेंट ज्यादा खतरनाक होगा तो ट्रक ड्राइवर अपनी जान का तो जोखिम लेगा ही लेगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ इनोसेंट पीपल जो लोग और भी हैं उनकी भी जान को जोखिम में डालता है। इट इज अ पिटी दैट सच दीज पीपल एस्केप एंड आर नॉट कॉट। ऐसे पीपल्स जो है ना, ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके के लोग जो है उन्हें पकड़ा नहीं जाता, वो छूट जाते हैं या वो बच जाते हैं। इवन इफ दे आर कॉट ऑन द स्पॉट, अगर उन्हें ऑन द स्पॉट पकड़ भी लिया जाता है, दे आर लेट ऑफ विद अ माइनर पनिशमेंट। उनको बहुत छोटी सी पनिशमेंट देकर छोड़ दिया जाता है। They also bribe the policeman and go scot free. या कुछ लोग क्या करते हैं, पुलिसमैन को ब्राइब करते हैं यानी रिश्वत देते हैं और वहां से छूट जाते हैं। Traffic rules must be observed. Under age driver and those driving without license should be punished. The drivers found in the drunken state should be dealt with sternly. Road should be kept cleared of tangas, rickshaws, hand carts, speed breakers, roundabout and traffic lights should be set up where necessary. तो ट्रैफिक रूल्स जो है ऑब्जर्व करने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अंडर एज ड्राइवर यानी छोटे बच्चे जिनको गाड़ियां दे दी जाती है लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उनको नहीं तो एटलीस्ट ये है कि जिन्होंने उन्हें गाड़ियां दी हैं, जैसे उनके जो माँ बाप है उन्होंने जिन्होंने उन्हें गाड़ियां दी हैं, एटलीस्ट उनको पनिश करा जाना चाहिए कि आपने इतनी छोटी उम्र में अपने बच्चे को गाड़ी दी थी, हो सकता है इसका खुद का एक्सीडेंट हो जाए या ये किसी और दूसरे बच्चे को भी हार्म पहुंचा सकता है। तो ड्राइवर जो होते हैं जो ड्रंकन स्टेट में मिलते हैं उनके साथ तो बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए, ठीक है। उनके अगर साथ सख्ती से पेश नहीं आओगे आप तो जो है एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते ही रहेंगे। रोड शुड बी कीप्ड क्लियर ऑफ टांगास। हम ये नहीं कहते कि सड़कों पे टांगा या रिक्शा या हैंडकार्ट नहीं होने चाहिए, बट उनकी एक जगह फिक्स हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी अपना टांगा या रिक्शा या जो ऑटो वगैरह है वो रोक कर खड़े हो जाए।
स्पीड ब्रेकर्स राउंड अबाउट एंड ट्रैफिक लाइट शुड बी सेट अप वेयर नेसेसरी। स्पीड ब्रेकर्स बने होने चाहिए जगह जगह पर, ट्रैफिक लाइट भी वहां होनी चाहिए जहां पर उसकी सख्त जरूरत है, राउंड अबाउट बने होने चाहिए, यानी सब तरीके से सिस्टमेटिकली सारी चीजें होनी चाहिए। सिस्टमेटिकली सारी चीजें इंडिया में है बट लोग उसे फॉलो नहीं करते। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज थ्रू दिस कॉलम टू एनफोर्स द रूल ऑफ द रोड एंड एजुकेट द पीपल अबाउट ट्रैफिक रूल्स। मैं इस लेटर के माध्यम से जो अथॉरिटीज हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो रूल्स को है और सख्ती से और अच्छे से वहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, और जो लोग ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं जानते, या जैसे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी बुक्स में ट्रैफिक रूल्स को लेके, ट्रैफिक को लेके चैप्टर्स होने चाहिए एक तो, ताकि वो लोगों को पता रहे कि हमें क्या क्या चीजें बड़े होने के बाद जब वो ड्राइव करेंगे तो उन्हें फॉलो अप करनी चाहिए। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, मोहिंदर प्रताप। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।